प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। वायरस क्या है और क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान भी जा सकता है, मतलब ये खतरा भी है, चाइना में कितना फैल गया है? नहीं, वायरस नहीं है ये, बेसिकली क्या है कि कोई रैशेज हैं जो हर एक पूरी बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा कि रैशेज क्यों हो रहे हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ अ वायरस व्हिच इज स्प्रेडिंग, बहुत लोग हैं इससे इफेक्टेड हैं अभी आज की डेट में। साउथ चाइना में ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर एक तो धूप नहीं पड़ी है, दो महीने से लगातार बारिश है, जबकि ये गर्मियों का टाइम है। तो मेबी बिकॉज ऑफ दैट समथिंग इज हैपनिंग, दे डोंट नो, और इसका कोई इलाज भी नहीं है अभी तक। जितने भी ट्रीटमेंट्स करवाए हैं पिछले एक महीने में, कोई भी किसी के ऊपर असर ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये बांग्लादेश की बात में ये वायरस कहां से बीच में आ गया। हम तो बात कर रहे थे बड़ी डिटेल्ड और बड़ी डीप रूटेड। हम तो चाइना, आपकी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं कोई ऐसी बात करूं सही, ताकि आज रात को पुलिस आए और कल मेरी वीडियोस ना बन जाए और आपको मुद्दा मिल जाएगा कि इमरान खान को डंडे डलाने वाला आदमी आज खुद अटे खा रहा है। देखें, जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात को याद रखें, अगर किसी दिन सुमित सर खड़े होकर शो करते दिखे तो आप समझ जाइएगा इनके साथ क्या हुआ। आप भी समझ जाइए कि किसके कारण हुआ है। और नहीं, लेकिन आपको चाहिए, आप एक बड़े अच्छे इंसान है, आपको चाहिए आप लोगों को बचाएं, उन्हें बताएं कि एक नया वायरस चाइना से आने वाला है, तो लोग तैयारी कर लें सब जगह पे। अगर आएगा भी पहले पाकिस्तान, अगर आएगा भी तो भारत में नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो फ्लाइटें ही बंद की हुई हैं। मिनते डाल रहे हैं कि फ्लाइटें खोल दो, लेकिन हम खोल नहीं रहे। आएगा तो आपके पास ही आएगा, क्योंकि टेस्टिंग तो आपके पास ही होती है। जब कोरोना की वैक्सीन की भी टेस्टिंग करनी थी तो आपके ऊपर किया था कि मर भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने चाइना के ऊपर टेस्टिंग नहीं करी थी, आपके ऊपर करी थी। लेकिन सर कोविड के जमाने में भी फ्लाइट तो तब भी बंद थी आपके यहाँ, फिर भी पहुंच गया, और वायरस को कौन सी फ्लाइट में बैठ के आना है, वो फिर भी आ जाएगा। मतलब कोई हिंदुस्तानी जो है वो हो सकता है चाइना जाए, वहां से घूम कर पाकिस्तान आया, तो इस तरह से ये भारत, ये सारी कंट्रीज तो अब रहेंगी रिडार पे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आपकी बात से लोग अलर्ट भी होंगे ना, लोगों की जान बचाइए, आपको अपने पिछवाड़े की पड़ी हुई आगे वो कोविड में जिन जिन्होंने वीडियो बनाया था उनका पिछवाड़ा अभी तक ठीक ठीक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। हम लोग कहेंगे किस किस्म का शो करते हैं, हम तो जैसे किस्म का शो करते हैं, आप लोगों को जो है यकीनन आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं उनको भी हम तो हल्का फुल्का शो करते हैं, टेंशन नहीं देंगे। अभी 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 आपने जो अभी जो आपने हरकत करी, कुछ खुजली कर दी यहाँ पे, ये जो वायरस है ये यहीं से शुरू होता है। नहीं, मैंने खुजली नहीं करी, मैं मेरी आदत है, मैं बाल ऐसे ऐसे करके बालों को ऐसे करती रहती हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द हमारा जो टॉपिक था उस पे, आई एम श्योर कि चाइनीज को हिंदी उर्दू नहीं आती होगी तो वो नहीं समझ पाएंगे आपने क्या कहा। मगर सर इस रीजन के लिए चाइना, बांग्लादेश और इंडिया आपस में बात करें, आपस में काम करें या प्रोजेक्ट्स करें, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें ना कि वो चाबहार पोर्ट के लिए भी तो ईरान और अफगानिस्तान के साथ भारत कर ही रहा है, तो फिर बांग्लादेश और चाइना के साथ मिलके अगर काम किया जाए तो बाकी चीजें तो चलती ही रहती हैं, लड़ाई झगड़े, तो कितना अच्छा होगा इस रीजन के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि भारत की एक पॉलिसी है जिसका नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमने जितने भी नेबरर्स हैं उनके साथ हमने अपने रिलेशन को इंक्रीज किया, उनके साथ ट्रेड इंक्रीज किया है, बिकॉज वी फील किया पूरी दुनिया से ट्रेड करने से बेटर है कि जो हम आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके साथ सबसे पहले हम ट्रेड करें, उन्हें अपना एक एलाई बनाए। बांग्लादेश भी हमें बहुत अच्छा और एक ट्रस्टवर्दी एलाई मानता है, और उन्होंने बोला भी इस बार कि इंडिया ने जैसे हमें वो पाकिस्तानियों से वही जहलों से हमें रिलीज करवाया है 71 में, और उसकी बात हम भूल नहीं सकते। ये एहसान हमेशा बांग्लादेशियों के दिमाग के ऊपर और जहन में हमेशा रहेगा, और हम भारत को एक बहुत बड़ा पार्टनर बांधते भी हैं। और जो बातें करी हैं, अब देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, हमने कुछ छोटी मोटी बात नहीं करी है बांग्लादेश के साथ। मैं इंपॉर्टेंस के ऊपर भी आता हूँ कि इंपॉर्टेंस कितनी है और क्या बात करी है।
हम अगर ट्रेड की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड हो सकती है इंडो पैसिफिक के कारण। एनर्जी की बातें हो रही हैं, ग्रीन एनर्जी की बातें हम कर रहे हैं, ब्लू एनर्जी की बातें कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और आपको मालूम है कि डिफेंस के अंदर जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, हमने वो भी बोल दिया उनको कि आपको हथियार चाहिए, हम देंगे। अगर आपको स्पेस के अंदर कोई कनेक्टिविटी चाहिए, हम देने को तैयार हैं। बाकी वो नहीं है कि चाइना से कोई सैटेलाइट ले लिया और अपना इंटरनेट चला लिया, जो कभी कभी बंद भी हो जाता है आपका, इसलिए होता है क्योंकि चाइनीज है। लेकिन बांग्लादेश वाले जो है वो उनको इंडिया ने ऑफर किया है कि हम आपको देंगे, चिंता ना करो। तो ताकि मुझे लगता है कि जो हसीना जी हैं वहाँ की, वो आपकी वीडियोज देखती हैं, कभी कभी बीच में अटक जाती हैं क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाता है और आप समझ सकती हैं। तो इसलिए भारत ने बोल दिया कि देखो आरजू का वीडियो आपने देखा होगा, कई बार अटक जाता है, शक्ल फ्रीज हो जाती है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो सारे कुछ करने की बजाय आपको चाइनीज की कुछ भी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, आप भारत से आराम से ले सकती हैं और धड़ल्ले से यूज कर सकती हैं। तो ये सारे काम होंगे। अब इसका फायदा क्या है? नेबरर्स फर्स्ट में, क्योंकि बॉर्डर साथ में लगते हैं, रेलवे लाइन जा सकती है, रोड से माल जा सकता है। मैंने बांग्लादेश के साथ बहुत काम किया है, मैंने एक्सपोर्ट काफी काम भारत से किया है। वहां पे जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो सारी भारत से जाती भी हैं और हमने बहुत काम किया। पाई रोड जाने आप सामान भेज सकते हैं, कोई भी शिप की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी से कुछ घंटों में सामान पहुंच जाता है वहां पर, एंड मनी कैन सर्कुलेट वेरी क्विकली। तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर बांग्लादेश के लिए भी, भारत के लिए भी। भारत को भी मार्केट चाहिए, बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मार्केट है। नाउ एज फार एज चाइना इज कंसर्न, भारत के बांग्लादेश के साथ वो रिलेशंस खराब नहीं है जैसे चाइना के साथ है। चाइना के साथ रिलेशन सिर्फ एक बॉर्डर का इशू है, वो भी इसलिए कि उन्होंने 62 के बाद अपनी ट्रीटी को तोड़ा है भारत के साथ। तो भारत ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, वरना 62 से लेकर अब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर का कोई इशू नहीं है, इट इज जस्ट एक ट्रेड है, ट्रेड को इंक्रीज किया जा रहा है और एक चंगा पला एक रिलेशन है जो चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि पाकिस्तान से के साथ क्यों नहीं हो रहा? भाई पाकिस्तान तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने कभी सुना है मोदी जी को पाकिस्तान का नाम भी लिया हो? वो कहते नहीं यार, मुझे अपना देश नहीं होता। भेजूंगी मैं आपको, जब पॉलिटिकल रैलीज होती है तो चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान नहीं बोलते, वो कुछ और वर्ड यूज करते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी रैलीज में कुछ नाम यूज किए जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। देखिए आफ्टर ऑल हमारे आप हम सारे मुल्क हैं और ये ऐसा है। लेकिन सर अगर चाइना के साथ बात हो सकती है और ये जो चीजें जैसे पहले रही है टेंशन दोनों कंट्रीज में हिंदुस्तान पाकिस्तान के, कहीं ना कहीं जाकर तो अमेंड करनी पड़ेगी ना। ऐसे चलता रहेगा ना आपका भला होना है ना हमारा होना है, और दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, हथियार बेच रहे हैं हमें और आपको उन्हीं का फायदा है। पहली बात ये है ना, आपका फायदा ना हमारा फायदा। इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं। पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक करने में फायदा सिर्फ आपको ही है, हम तो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और पहले आरजू जी, मैंने बड़ी बार आपके शो पे बात करी है, एक दोबारा से आपको याद दिलाता हूँ क्योंकि याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है पाकिस्तानियों की, कि जब से हमने आप लोगों से बात करनी बंद करी है, ट्रेड को फ्रीज कर दिया, तब से ही हमारी तरक्की हो रही है क्योंकि आपके नाम के आगे पी लगा है पनौती। तो पाकिस्तान भी पी से शुरू होता है। तो जिस जिसने आपके साथ काम किया, भारत आपके साथ काम कर रहा था, हम भी फ्रेजाइल 5 में थे, आज चाइना ने आपके साथ काम करना शुरू कर दिया, वो भी फ्रेजाइल 2 में आ गए हैं फ्रेजाइल 5 से। तो ये हालत है। तो जिसने भी काम किया आपके साथ उसका भट्टा बैठना ही बैठना है, इसलिए मोदी जी ने भी पंडितों से पूछ कर ये काम किया है। कहते यार ये पी वर्ड से पीछे हो जाओ, इसलिए मोदी जी ने पप्पू हो, पनौती हो, पाकिस्तान हो, इनसे पूछा छुड़वा लिया है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान हरगिज पनौती नहीं है। और ये खैर आप वैसे गलत कह रहे हैं, लेकिन बार अलाव में हमारे साथ काम कीजिए, आपका बड़ा भला होगा। आपको पता नहीं हम लोग जो है ना बादशाह बना देते हैं लोगों को। तो अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम दे बाबा। बांग्लादेश के साथ आप काम कर सकते हैं तो हमारे साथ भी कर लीजिए। लेकिन खैर वो तो गवर्नमेंट जब सोचेगी तब सोचेगी, लेकिन फिलहाल यही चल रहा था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना और भारत दोनों के साथ ही काम कर रहा है, जो कि यकीनन सभी की नजरें वहां पर है। और हम देखते हैं कि इसमें आगे कौन से प्रोजेक्ट आते हैं और फिर हम घुसने की कोशिश करेंगे ऐसा ऐसा कहीं से चाइना से नहीं तो बांग्लादेश से, तो सीमा इधर की तरह कहीं से घूम घाम के हम आ ही जाएंगे। आप देखिएगा, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, या मुझे मालूम है ढीठ लोग हो आप, कि आप भैया हर चीज में फ्री में घुसने की कोशिश करोगे। ये मोदी जी हैं, 10 सालों में आपको कहीं भी घुसने नहीं दिया और आगे अगले 5 साल के लिए मोदी जी टिकने वाले हैं,
कहीं भी चांस नहीं है आपका, ना भारत के साथ कोई ट्रेड शुरू करने का, ना बांग्लादेश, चाइना तो भूल ही जाओ, क्योंकि चाइनीज भी आपसे इतने दुखी हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने दुनिया को चूना लगाने वाला खुद चूना कैसे लग गया। यही आपकी यही आपका यूएसबी है। अभी आप देखिएगा हमारा टैलेंट कि हम कैसे घुसेंगे। बहरहाल देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स आगे कैसे चलते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे दोनों ने खासकर बात की भारत के रिश्ते जो पड़ोसी देशों के साथ है, खासकर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के साथ, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।